देख लो, हम सब उठे हैं अभी, बंदा अभी तक तैयार भी नहीं हुआ। अभी 8:30 बज रहे हैं, मैं सब बज उठा हुआ अभी तक तैयार। मैं अभी कपड़े प्रेस करूँगी, इसके बाद मैं नहाऊँगा, फिर रेडी होऊँगा। आप लोग चले जाए, मैं नहीं आ रहा। ओ यार ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय, हाथ मिला रहा, दाए हाथ मिला दिया। दोस्तों घरों में अंदर बहुत चुगल चल रहा है, आप लोग आवाज सुन रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? तो फाइनली हम तैयार हो चुके हैं, अभी जा रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ। बस में ये बैग में रखेंगे, फिर जाएंगे। ये हमारा दोस्त आपके साथ कुछ लाइन शेयर करेगा। हाँ, जैसे कि आप लोग इसको जानते हैं, हमारे हर व्लॉग में इंट्रो में आता है, स्टार्ट में आता है, फिर बीच में गायब हो जाता है, फिर वापसी में फिर आ जाता है। हाँ, ये तो होता है, चलता है ना। तो अस्सलाम वालेकुम, तो अगेन हम जा रहे हैं डिपार्टमेंटल ट्रिप पे, बड़ा गली। तो आज का क्या प्लान यार? मुझे तो आज का प्लान जो है कि आज का दिन तो पूरा मतलब ट्रैवलिंग में गुजरेगा ना। अभी हम मेरे ख्याल में 9:30 या 10 तक रवाना होंगे, 9:30 तक तकरीबन। यार 10 में, क्योंकि पिछले साल हम 11 पे वो रवाना होंगे। हाँ, तो फाइनली डिपार्टमेंट आ चुके हैं, हमारा टीचर खड़ा है, ये हमारे सीनियर है, तो इनसे कुछ बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। वालेकुम सलाम हमजा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना? अल्लाह का शुक्र, सब कुछ बेटे। सो तैयार किसी जा रहे ट्रिप की? बस सारे पहुंच चुके हैं और निकलने की देर है, और बस सर का इंतज़ार कर रहे हैं, और होपफुली वुड बी द गुड ट्रिप, एक्सपेक्टिंग अ लॉट इंशाल्लाह। साथ में इस बार हम ज़्यादातर डिपार्टमेंट के बैचेस जा रहे हैं, सो होपफुली वेदर भी अच्छा है, सो होपफुली इंजॉय करेंगे सब इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, तो ये हमारा सेकंड स्टॉप है, अभी यहाँ पर हम खाना खाएंगे और कुछ घूमेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे अपने थर्ड डेस्टिनेशन को, वो क्या नाम है, बाड़ा गली पिशावर के। तो खाना माना खा लिया, तो ये लोग अपने लिए कुछ ख़रीद रहे थे, मैं और ये मेरा दोस्त जो है, हमने अपने लिए ये लिया जुशानदा, क्योंकि मैं भी सख्त बीमार हूँ, ये भी सख्त बीमार है, ज़ुकाम है हम दोनों का। तो ये पैकेट भी पड़ा है, तकरीबन 10-15 है। ये कुछ और, ये नशा नहीं, जोशानदा है, जोशानदा। ये तो काफी है जान, इसमें तो नशा नहीं है, कोई मसला नहीं है, एक कप में एक डाल ले बस। यार रात को ठीक हो जाएंगे, वहाँ पर टन बहुत। अभी नहीं खाना, ठीक है? नहीं रात को, अभी नहीं, अभी। हाँ जीशान, तुम ये हमसे अलग बस में था और हम अलग बस में थे, तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा था? मैं क्या एक्सपीरियंस शेयर करा, लेकिन बस में कोई मज़ा भी नहीं था, क्योंकि म्यूज़िक सिस्टम भी ख़राब था, ना गाड़ी में म्यूज़िक था, और जो हमारे साथ जो स्पीकर था उसमें चार्ज भी नहीं था, तो बहुत बोरिंग यार। रोड क्रॉस करते वक्त ऐसा ना हो, रन आउट हो जाओ। नहीं होंगे, लेट्स गो। जी अल्लाह खान, आप क्या कह रहे हैं? तंजीम वाला अभी खाना खाया, खाने के बाद जो है चाय कप होगा। चाय तो दिखाओ तुम, ये नारिंजो टोले खत्म, तंदूरी चाय है, नहीं चाय है, भरा हुआ है। हाँ एहसान, आप एक कप चाय, आए हाय आए हाय, बड़े होकर बिस्मा मारू बनो। यार बहुत अच्छा मौसम, यार बारिश हो रही है, आप देख रहे हो, हम बड़गरी कैंपस पहुँच चुके हैं, आप दिखाओ इन लोगों को। तो वाह यार क्या मौसम, हम बड़गरी पहुँच चुके हैं, बहुत प्यारा ठंड है, ये सारे लोग अब तेरे वीडियो बना रहे हैं, कोई पिक्चर ले रहा है, कोई सेटिंग कर रहा है।
الحمد للہ ویئر سیفلی بہت اچھی طرح انتظامات بھی کی گئی ہے پشاور یونیورسٹی کے کیمپس کی طرف سے اور باہر بارش بھی ہو رہی ہے اور ہمیں یہ بھی انفارمیشن ملی ہے کہ رات کو برف باری بھی ہوگی تو لہٰذا ہم تو بلفور جو پریپریشن سے آئے ہیں اور انشاءاللہ بلفور انجوائے کر لیں گے اور آگے آپ خود بھی انجوائے کر لیں ٹھیک ہے میں تو سب سے زیادہ ایکسائٹنگ ہوں کیونکہ اگر میں ایک منٹ لیٹ ہوتا تو شاید یہ مجھ سے دونوں چلی جاتی یہ سب سے پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے کہا کہ میرے دوست تو یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے قسم سے بہت انجوائے ہوئی ہے کہ پانی تھوڑا سا ٹھنڈا ہے پہلی بار اور پہلی بار میں کسی ٹرپ پہ آیا تو قسم بہت بہت زیادہ السلام علیکم جی ٹرپ کیسا جا رہا ہے آپ کا سردی بہت ہے اتنی تو نہیں ہے ہمارے گاؤں میں تیز ہوتی رہتی ہے ہاں تو باڑہ گلی پہنچنے کے بعد ہم فریش ہوئے اور کھانے کے لیے چلے گئے اور یہ تھا ہمارا ڈائننگ ہال ایک پیار کا نغمہ ہے موجوں کی روانی ہے ایک پیار کا نغمہ چھپا کر کھونا ہے کچھ کھو کر پانا ہے جیون کا مطلب تو آنا اور جانا ہے دو پل کے جیون سے ایک عمر چرانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں